नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बोध गया में विश्व के सबसे बड़े स्लिपिंग बुद्ध का उद्घाटन किया गया। बता दें आपको कि यह मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उद्घाटन के मौके पर विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए और अपने अपने देश के मंत्र उच्चारण के साथ प्रार्थना किया। यह निर्माण गया बोध गया सड़क मार्ग के अमुआ गांव के पास बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। बोध गया में आए दिन देशी विदेशी पर्यटक पहले महाबोधि मंदिर में दर्शन करते थे एवं कई मॉनेस्ट्री में भी दर्शन पूजा करते थे, लेकिन अब पर्यटकों के लिए विश्व के सबसे बड़ा शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकेंगे। वर्ष 2019 में इसकी नींव रखी गई थी और 2023 के अंतिम महीने में इसका उद्घाटन कर दिया गया। बता दें कि भगवान बुद्ध चार तरह के मुद्राएं में है, जिसमें जन्म ध्यान साधना और महापरिनिर्वाण शामिल है, जिसमें से एक शामिल है शयन मुद्रा में। भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सचिव बुद्ध इंटरनेशनल ट्रस्ट के भंते आर्यपाल, पहले आपको वो सुने। जस्ट हुई ग्रैंड ओपनिंग इंडियन बिगेस्ट बुद्ध इश्यू, सो जस्ट इनॉग्रेटेड बाय all Buddhist countries, senior monks, as like chief monks, and we say the Sangha Raja, Sangha Nayaka, Deputy Sangha Raja, from many Buddhist countries, they come here to grand opening, the Indian biggest Buddha statue. Just we finished, and all our Theravada monks, and also Mahayana monks, and also Vietnamese monk, chanted for new Buddha statue, jo hum log bolta hum, Jivannas. अभी यहाँ पर इंडिया का जो सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा आज उद्घाटन हुआ, तो यहाँ के उद्घाटन के भाग लिया विश्व का जो बुद्धिस्ट कंट्री है, सब बुद्धिस्ट कंट्री का जो चिप मॉन्ग जो प्रधान गुरु जी है, वो गुरु जी आया यहाँ पर उद्घाटन के लिए, उद्घाटन हुआ था। तो इसका बाद में हम लोग का थेरवादा जो भांति जी लोग वो लोग प्रे किया था नया बुद्ध स्टेज के लिए, जो जीवन्नास बोलता है हम लोग का, तो वो अलग किया था। इसके बाद में महायाना जो दलाई लामा का रिप्रेजेंटेटिव आया, वो लोग भी यहाँ पूजा किया, और इसके बाद में हमारा वियतनामी मंदिर जी लोग पूजा किया नया बुद्ध के लिए, सबका मंगल कामना के लिए, विश्व शांति ले आने के लिए। ये मूर्ति के बारे में बता दीजिए। ये मूर्ति 100 फीट दिखलान बुद्ध स्टेज आराम मुद्रा का बुद्ध स्टेचू, इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, ऐसा वाला इंडिया पर कहा भी नहीं देख सकता है, ये सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा है। यहाँ का हम लोग का जो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त तो मिला, तो बुद्ध भगवान हम लोग का है, हम लोग इंडिया से गर्व करके बोल सकता हूँ बुद्ध भगवान का बुद्ध गया पर इंडिया पर उनका ज्ञान प्राप्त तो मिला। तो बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध गया, सिद्धार्थ का जन्म हुआ नेपाल लुम्बिनी, तो इसीलिए हम लोग इंडियन वाला बहुत गर्व से बोलता हूँ कि हम लोग बुद्ध का हमारा है, बुद्ध भगवान हमारा यहाँ पर ज्ञान पात्र मिला, बुद्ध पर ज्ञान पात्र मिला। तो हम लोग को बहुत खुश लग रहा है कि इंडिया वाला, हम भी इंडियन है, इंडियन वाला अभी इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टेचू बनाया, इसका पहला कोई इंडियन वाला इतना बड़ा बुद्ध प्रतिमा नहीं बनाया। तो जो जो हम लोग को मदद किया ये बनाने के लिए, हम सबके पास बहुत कृतज्ञ है, बहुत बधाई। कितना लंबा और कितना चौड़ा है? ये 100 फीट लंबा है और ऊंचाई 30 फीट। ये कितना लागत लगा है इसको बनाने में? 2 साल लगा बनाने के लिए, समय लगा 2 साल। हाँ, 2 साल। पैसा कितना लगा? पैसा तो 50 लाख का ऊपर खर्चा हो गया। नाम? मेरा नाम आर्यपाल भिक्षु, हम यहाँ सेक्रेटरी, फाउंडर सेक्रेटरी बुद्ध इंडिया वेलफेयर मिशन। माय नेम इज आर्यपाल भिक्षु, हम आई एम फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ बुद्ध इंडिया वेलफेयर मिशन। आज कौन कौन देश का ओपनिंग? ओपनिंग सब बुद्धिस्ट देश का, सब बड़ा गुरु जी जो है वो सब यहाँ पर भाग लिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भंडे जी लोग भी यहाँ आया, फोटो भी देख सकते हैं, ये लोग का सब यहाँ आया भाग लिया। तो ये बुद्ध सिर्फ ये बुद्ध का ये करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए कुछ लोग जो डेथ किए हैं उनका फोटो है वहाँ, उनको लिए भी प्रे किया जो यहाँ पर दान दिया बनाने के लिए, तो वो लोग को भी प्रे किया कि वो लोग भी मदद किया ये बुद्ध मूर्ति बनाने।
ये तो कहा वियतनामी वाला है, अमेरिकन वाला है, कनाडा वाला है, बस सब जगह पर सबके लिए हम लोग प्रे किया, जो गुजर गया उन लोग को भी, जो बीमारी है अभी वो लोग भी जल्दी जल्दी। सचिव बनते आर्यपाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, इस बुद्ध भगवान की नींव कब रखी गई थी, कब से तैयारी चल रही थी, इसके उद्घाटन में कितने लोग शामिल हुए और क्या कुछ जानकारी थी इस विषय में, सब कुछ बताते हुए नजर आ रहे थे बनते आर्यपाल जो कि सचिव है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।